अगर आप उठोगे नहीं तो आपकी हैप्पी फैमिली कैसे बनेगी बेटा, है ना? और आपको तो वो फिल्मों वाली शादी भी करवानी है हमारी, तो आप प्लीज उठ जाओ प्लीज। अब ठीक हो ना? मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ, मैं अभी आई। मम्मी पापा, फिर आप मुझे अकेला सूप पे नहीं जाओगे ना? नहीं बेटा, मैं आपको अकेला छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, और जल्दी से जल्दी आपको अपने घर भी ले आऊंगा, पिंकी प्रॉमिस।
हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। मुकुता जी, तुझे फिर से भला चंगा देख के ना अब जान में जान आई है, और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है इंदु पुत्र अर्जुन की वजह से। उन दोनों ने मिलके तेरा इतना ख्याल रखा है, और आज सिर्फ उसी की वजह से ना तू अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो गया। कहाँ है इंदु अर्जुन? ओए पुत्र, आते वाले हैं ना, तो उनके घर पे भी पूजा है, इसीलिए वो दोनों नहीं आए। हाँ ब्रो, मैंने ना घर पे कार्ड पार्टी रखी है और आपके सारे फ्रेंड्स को बुलाया है, तो हम अच्छे से मस्ती करेंगे और फिर दिवाली मनाएंगे। Absolutely. पंकज चाचू कैसे? एक्सीडेंट? हाँ, पहले से ठीक है, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में ही है। बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था, तो पूरी बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए हैं, तभी तो कामना भाभी को यूएस जाना पड़ा। हाँ पुत्र, कामना भाभी इतनी हड़बड़ी में गई हैं, और फिर पंकज भाई साहब को उनकी जरूरत भी थी। हालांकि त्योहार उनके बिना बहुत सूना हो जाएगा, और वो दोनों बेचारे तो तेरी शादी में भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन कामना भाभी मुझे कह के गए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और सारे फंक्शन बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हमने प्लान किए थे। वैसे सारी तैयारियां हो ही गई हैं, लेकिन अब शादी ना इंदु पुत्र के घर से होगी। पहले मेहंदी, फिर हल्दी, और फिर शादी। ओके। एक बार फिर सबको हैप्पी दिवाली। चलिए। माना सूरत को मेरे दुनिया ने पहचाना है, पर मेरी सीरत को बस तूने ही तो जाना है। उम्मीदों की डोर मेरे अब जुड़ के तुझसे रहती है, सफर ये तेरे संग कट जाए जिंदगी मुझसे कहती है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। जब तक रहेंगे